कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद भी एक के बाद एक लगातार उत्तर प्रदेश के इन्हीं गुंडों पर, गैंगस्टर्स पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अब ऐसी ही खबर राजदार जिला पंचायत सदस्य गुड्डन त्रिवेदी को लेकर सामने आ गई है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का सबसे बड़ा राजदार जिला पंचायत सदस्य गुड्डन त्रिवेदी कानपुर आया एक सोची समझी रणनीति के तहत। गुड्डन त्रिवेदी को पता था कि अगर पुलिस महाराष्ट्र से लेकर कानपुर आएगी तो कानपुर देहात की माती जेल में रखेगी, इससे उसका काम और भी आसान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक गुड्डन त्रिवेदी जेल में बैठकर पूरे गैंग को ऑपरेट कर सकता था। गुड्डन का संरक्षण पाए हुए कई साथी पहले से ही जेल में बंद थे। इसके साथ ही बिकरू कांड हत्याकांड में पकड़े गए सभी आरोपी माती जेल में हैं। गुड्डन त्रिवेदी का आरोप है कि बिकरू हत्याकांड में असलहों के साथ मोटरसाइकिल से बदमाशों को बिकरू भेजा था। कानपुर देहात से जिला पंचायत सदस्य गुड्डन त्रिवेदी को पर्दे के पीछे रहकर वारदातों को अंजाम देने में महारत हासिल है। वो हर काम सोची समझी रणनीति के तहत करता है। ऐसा ही कुछ उसने बिकरू हत्याकांड में किया। गुड्डन और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू है। फर्क इतना है, विकास गुस्से और खुन्नस में आकर काम करता, जबकि गुड्डन शांत होकर सोच समझ कर हर घटना को अंजाम देता। अब जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि विकास दुबे तो मारा गया, लेकिन 3 जुलाई को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद जो कुछ भी हुआ और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या को लेकर जो साजिश बनाई गई, उन सब में गुड्डन त्रिवेदी भी शामिल था। कानपुर पुलिस ने गुड्डन त्रिवेदी से पूछताछ के लिए ट्रांजिट रिमांड पर लाने का फैसला किया। गुड्डन ने बिकरू हत्याकांड के लिए विकास को असलहे और कारतूस मुहैया कराए। जानकारी आ रही है सामने कि गुड्डन इस पूरे मामले में विकास का साथ दे रहा था जेल में बैठकर भी। हालांकि पुलिस उससे ये नहीं उगलवा पाई है कि बदमाशों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार कहाँ से आए और कहाँ छिपाए गए। जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से आपको बता दें, गुड्डन त्रिवेदी एक ऐसा नाम है जिसे कानपुर देहात का शायद ही कोई शख्स ना जानता हो। हथियारों के साथ फोटो खिंचवाना यही गुड्डन का शौक है, उसकी पहचान का कारण है। बड़े बड़े नेताओं के साथ उसका उठना बैठना है और गुड्डन इस पूरे मामले में विकास दुबे के साथ मिला हुआ माना जा रहा था। एसटीएफ की टीम जाँच कर रही है, देखना होगा गुड्डन को लेकर कौन से खुलासे होते हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।